नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल ओशिया में जो हत्याकांड हुआ था, अब उसमें है जो नया मोड़ आते हुए सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ओशिया में जो ये हत्याकांड हुआ था, यानी कि 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में ये बहुत ही डरावनी खबर है, सुन से ही ऐसा लगता है कि हालांकि 4 लोगों को कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल एक ही रात के अंदर 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है और फिर झोपड़े के अंदर एक डाल दिया जाता है, फिर उसके अंदर आग लगा दी जाती है। आरोपी पूरी तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। इतनी दरिंदगी राजस्थान के जोधपुर ज़िले के ओशिया में आपको देखने को मिली। दरअसल बता दें कि आपको पूरी खबर क्या कुछ है, अब नया मोड़ क्या कुछ सामने आ रहा है, हम आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि आपसी रंजिश और ज़मीनी विवाद है, वो ऐसा कुछ मामला सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक कहने में कुछ ऐसा आ रहा है कि मृतक उसका जो आरोपी है उसका भाई सूरत में कई दिन पहले, कुछ समय पहले है, जो संदिग्ध अवस्था में मिला था। आपको बता दें कि उसकी मौत हो गई थी, उसने सुसाइड कर दिया था, ऐसा माना जाता है। आरोपी का कहना है कि हमारे भाई को इन्होंने मारा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एक वजह सामने आ रही है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हमारे भाई को मारा था और ऐसे में उन्होंने बदले की भावना से इन 4 लोगों की हत्या की। सबसे दोस्तों आपको बता दें कि 6 महीने की बच्ची है, उसको भी नहीं बख्शा जाता है। ऐसे में दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर 6 महीने की बच्ची का क्या कसूर था। 6 महीने की बच्ची को है, पहले उनकी हत्या की जाती है। हत्या के बाद आपको बता दें कि चूल्हे के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसकी तस्वीर आई है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। इतनी डरावनी है कि आप दोस्तों देख नहीं सकते। दोस्तों किस प्रकार से उस आरोपी ने है जो घटना को अंजाम दिया, आपको सुनने के बाद होश है जो उड़ जाते हैं। आपको बता दें कि दरअसल दोस्तों आरोपी कुल्हाड़ी लेके आता है और बुजुर्ग महिला और उनके पति है जो बाहर सो रहे थे खाट के ऊपर, उनको पहले मौत के घाट उतारा जाता है, फिर अंदर जाता है और एक बहू और एक उनकी बेटी बताई जा रही है उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक अंदर छोटी बच्ची है जो वो थी, छोटी 6 महीने की बच्ची, उनको भी नहीं बख्शा जाता है। महज 6 महीने की बच्ची थी दोस्तों, उनका क्या कसूर था। उसने अभी तक पूरी तरीके से आपको बता दें कि संसार ही नहीं देखा था, कि संसार क्या कुछ होता है उनको पता नहीं था। ऐसे में आपको बता दें कि उस 6 महीने की बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब दोस्तों घटना बुधवार की होती है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह इलाके के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और ऐसे में पुलिस प्रशासन है वो भरोसा देती है कि हम पूरी तरीके से जांच करेंगे और इसमें क्या कुछ मामला होता है, और घर वालों को उनको पूरी तरीके से आश्वासन देते हैं कि हम आपको पूरी तरीके से जांच देंगे, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। पूरे इलाके के अंदर आपको बता दें कि ऐसा माहौल, डरावना माहौल बना हुआ है कि किस प्रकार से है, जो इस प्रकार से कि एक घर के अंदर सो रहे लोग सुरक्षित नहीं होते हैं तो फिर क्या सुरक्षा पुलिस हमें दे सकती है। आरोपी घर के अंदर आके इस प्रकार से कुल्हाड़ी से हमला करता है और झोपे के अंदर, आपको बता दें कि हमला करने के बाद उन्हें घसीट कर लाया जाता है। घसीट कर लाने के बाद आपको बता दें कि झोपे के अंदर आग लगा जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ केमिकल उसके ऊपर डाला था। उनकी हालात ऐसी नाजुक हो सकती है कि चेहरा भी पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओशिया से विधायक आपको बता दें कि दिव्या मदरिना को एक पत्रकार सवाल पूछता है कि ये घटना कैसे हो गई और बाकी लोग हैं इससे डरे हुए हैं और किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, तो दिव्या मदरिना खुद ये कहते हुए सामने आती हैं कि इसमें तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूं साहब कांग्रेस के राज में। हालांकि आपको बता दें कि दिव्या मदरिना खुद कांग्रेस के MLA हैं, वो खुद ये कहते हुए नज़र आती हैं कि राजस्थान के अंदर ओशिया में तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। आपको बता दें कि पूरी खबर इस प्रकार से वायरल हो जाती है और अब भाजपा है जो इनको पूरी तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर अलग अलग तरीके से वीडियो को जमकर वायरल करती है। आपको बता दें कि दोस्तों ये घटना
उन मृतक का है जो भतीजा सामने आ रहा है और आपसी रंजिश से ये सारी घटना को अंजाम दिया जाता है। एक जमीनी विवाद माना जाता है और दूसरा माना जाता है कि बदले की भावना। धन्यवाद।